शीट नंबर 30, कैपेसिटेंस सीरीज एंड पैरेलल। इसके कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे, कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है कि ये तीन कैपेसिटर्स हैं, कि तीन कैपेसिटर्स बोलो किसमें कनेक्टेड, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। तो तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनकी जगह पर अगर एक कैपेसिटर लगाना हो तो क्या आएगा, C+C+C 3C, और 4200 वोल्ट की बैटरी रखी हुई है। यहां पे एक मीटर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको क्लोज करूं स्विच को, तो बताओ मीटर में से कितना चार्ज पास हो गया, राइट। एक बात बताओ, अगर मीटर में से चार्ज पास हुआ शुरू में, तो गया कहां, तीन कैपेसिटर्स में गया, चार्ज कौन स्टोर कर रहा है, तीन कैपेसिटर्स, या फिर अगर तीन की जगह एक कैपेसिटर लगाएं तो सारा का सारा चार्ज कहां पर मिलेगा आपको, इस कैपेसिटर में मिलेगा। तो अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूं कि इस कैपेसिटर के पास टोटल चार्ज कितना है, तो वही मीटर में से चार्ज आएगा। तो इसकी कैपेसिटेंस 3C है, सी आपको 25 माइक्रोफेरेड गिवन है, तो 3C का मतलब 3 × 25 यानी कि 75 माइक्रोफेरेड है, 75 माइक्रोफेरेड है। वी की वैल्यू 4200 है, तो चार्ज कितना होगा इस नए कैपेसिटर पे, Q = CV, तो आपको सी पता है, वी पता है, सॉल्व करके इतना कूलम चार्ज जो है वो 3C पे होगा, और वो जाएगा कहाँ से, मीटर में से, तो मीटर इतना चार्ज मेजर करके देगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने, ठीक है, यहां तक क्लियर है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कैपेसिटर ये गिवन है, एक कैपेसिटर ये गिवन है, और एक बैटरी गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि चार्ज बैटरी कितना सप्लाई करेगी दोनों कैपेसिटर को, ये बताओ। क्या ये कैपेसिटर सीरीज में है? लगते हैं लेकिन होंगे नहीं, बिकॉज बीच में जंक्शन आ रहा है। तो जो बैटरी का चार्ज यहां से जाएगा वो डिवाइड होगा लेफ्ट और राइट में, तो चार्ज सेम नहीं हो सकता, इसलिए ये सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर कोई चीज सीरीज में नहीं है, ये कोई गारंटेड नहीं है कि वो पैरेलल में भी नहीं होगी, या पता नहीं होगी कि नहीं होगी, चेक करना पड़ेगा। और चेक करने का तरीका क्या है, मान लो ये बैटरी है, बैटरी का ये टर्मिनल V1 है और ये टर्मिनल V2 है। अगर ये V1 है तो यहां से घूम के ये भी V1 है, अगर ये V1 है तो यहां से घूम के ये भी V1 है, अगर ये V2 है तो ये भी V2 है, लेफ्ट भी V2, राइट भी V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2, पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लग नहीं रहे पर हैं पैरेलल। तो इसको रीड्रॉ ऐसे कर देते हैं, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड बाय अ कॉमन बैटरी, तो अभी चेक कर लो उसमें, इसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि अगर ये V1 है तो इसके लेफ्ट भी V1 है, ये V2 है इसके राइट भी V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 है, तो उस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं। तो ये स्टेप सबको समझ में आता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है, चार्ज सप्लाई बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, बैटरी ने चार्ज किसको दिया, दोनों कैपेसिटर को दिया। तो एक काम करो, पहले 5 और 6 किस में कनेक्टेड है, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल, तो 5 + 6 क्या 11, ये डायग्राम बन गया, ये और ये। अब बैटरी ने इसको कितना चार्ज दिया, अप्लाई करो Q = CV, कैपेसिटेंस की वैल्यू 11 माइक्रोफेरेड और वी कितना 10, मल्टीप्लाई करके इतना चार्ज दिया, ठीक है यहां तक। तो कैसे आएगी चार्ज की वैल्यू समझ में आती है यहां तक, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट है, और बड़े ध्यान से देखना है इस कॉन्सेप्ट को, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। तो ये तीन कैपेसिटर देख रहे हो, 1, 2 और 3, ये रे, और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। आपको अगर ये क्वेश्चन में बैटरी कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई किया होगा, तो बैटरी ने कैपेसिटर को कितना चार्ज सप्लाई किया ये क्वेश्चन है। तो आपको चार्ज की हर कैपेसिटर पे वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा लगता है, लगने में और देखने में और करने में तो बहुत फर्क है, लगता ये है कि शायद ये दोनों पैरेलल में निकलाएं, क्योंकि ये सीरीज में तो हो नहीं सकते बिकॉज बीच में जंक्शन आ रहा है। लगता ऐसा है कि ये पैरेलल में है पर होंगे नहीं, ये दोनों पैरेलल में है वो चेक करने पड़ेंगे। चेक करने के लिए दो तरीके हैं, आप एक कैपेसिटर को यहां लगाओ एक वायर में,
या थोड़ा सा राइट करके लगाओ, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो आप अपने कैपेसिटर को यहां लगाओ या यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां की जगह यहां लगा लो, क्या फर्क पड़ता है तो एक वायर का पार्ट ही। तो अब ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। पर ये कोई सही तरीका नहीं है, यहां लगाओ वहां लगाओ, ये कोई सही तरीका लगता, चल गया नहीं चला तो नहीं चला। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि मान लो जंक्शन वी वन पे है और मान लो ये जंक्शन वी टू पे है। देखो अलग अलग जंक्शन अलग अलग वी पे होते हैं। तो अगर ये वी वन पे है तो इसका राइट साइड वी वन पे है, ये प्लेट भी वी वन पे है, और अगर ये वी टू पे है तो ये वी टू पे है, तो ये भी वी टू पे है। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है? वी वन माइनस वी टू, और यहां पर कितना है? वी वन माइनस वी टू। तो ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। अब कोई कहता है कि फिर ये पैरेलल, अगर ये पैरेलल में है तो ये भी तो हो सकते थे, एक ही तो सिमेट्री है, ये क्यों नहीं है? देखो अगर ये वी वन है तो ये प्लेट वी वन है, अगर ये बैटरी है, और अगर ये वी टू है रादर, तो ये बैटरी वी टू पे है। मेरे को ये नहीं पता कि ये प्लेट कितने पोटेंशियल पे है, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वही प्लेट का पोटेंशियल होता है, मुझे मालूम ही नहीं। कम से कम वी टू तो नहीं होगा। वी टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये वी टू है, ये भी वी टू है, और अगर ये भी वी टू हो गया तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो ही हो गया ना, तो वी टू से तो कम या ज़्यादा होगा, उल्टा ज़्यादा ही होगा, पॉजिटिव प्लेट है। तो इसलिए मैं कह नहीं सकता कि ये पैरेलल में है या नहीं है, क्योंकि ये तो वी वन माइनस वी टू है और ये वी वन और पता नहीं क्या है, तो ये तो कन्फर्म पैरेलल है। ठीक, तो आप एक काम करो, अगर पाँच और पाँच पैरेलल में है तो आप इन्हें ऐसे बनाओ पाँच और पाँच, और जो आंसर आएगा एक कैपेसिटर वो इसके साथ किस में है? सीरीज में है। तो इसका डायग्राम रीड्रॉ किया मैंने, पांच और पांच पैरेलल में जो आंसर आएगा वो 10 के साथ सीरीज में, और फाइनली किसके साथ कनेक्टेड है? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो उस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। अब मेरे को हर कैपेसिटर पे चार्ज बताना है, ध्यान से देख रहे हैं। ये दो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। तो इन दोनों की जगह 5 + 5 = 10, और ये दो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है? सीरीज। तो 10 और 10 सीरीज में, तो आंसर आएगा 5। ठीक, तो इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे पास आ गया। अब 6 वोल्ट की बैटरी है, 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। अगर मैं पूछूं कि इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को टोटल चार्ज कितना दिया, तो आप फॉर्मूला लगाओगे Q = CV, तो C कितना है इसका 5 और V कितना है 6, इन दोनों को मल्टीप्लायर को 30 माइक्रो कूलम। सही है, 30 माइक्रो कूलम तक क्लियर है। पर मेरे को टोटल चार्ज थोड़ा बताना है, मेरे को बताना है कि हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। तो अगर हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो वापस रीड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। देखो बैक ट्रैक कैसे करूंगा, पहला डायग्राम से दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम और चौथा डायग्राम। अब वापस चलूंगा, ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है? इन दोनों का, कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो कैपेसिटर किसका बना हुआ है? इन दोनों का, कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये कैपेसिटर अगर सीरीज में है, इससे बना हुआ है, तो सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? चार्ज। तो अगर इसके ऊपर चार्ज 30 माइक्रो कूलम है, तो इन दोनों के ऊपर भी चार्ज एग्जैक्टली क्या रहेगा? 30 एंड 30 माइक्रो कूलम। क्या पहला स्टेप क्लियर है? क्योंकि ये कैपेसिटर इन दोनों से बना हुआ है सीरीज में, तो चार्ज की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली क्या रहेगी? सेम। ठीक, अब ये कैपेसिटर का चार्ज 30 आ गया सेम, ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है? इन दोनों का, कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वी, पोटेंशियल। तो इससे पूछो तेरा पोटेंशियल कितना है, ये कहेगा देखो मेरा सी पता है 10 माइक्रोफेरेड है, मेरे पे चार्ज 30 माइक्रो कूलम है, तुम डिवाइड कर लो। वी क्या होता है? क्यू बाई सी। चार्ज पता है, सी पता है, डिवाइड करके पोटेंशियल आ गया। तो ये कितने वोल्ट पे है? 3 वोल्ट पे है, पोटेंशियल आ गया 3। अब क्योंकि ये इन दोनों से बना हुआ है कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अगर ये 3 वोल्ट है तो ये दोनों भी 3-3 वोल्ट पे है। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा उल्टा जाने में, और पैरेलल में वी सेम रहेगा उल्टा जाने में, राइट? तो 3-3 वोल्ट आ गया। तो अगर ये 3-3 वोल्ट आ गया, तो अब मुझे इंडिविजुअल चार्ज निकालना है, तो इसका चार्ज तो आ चुका, बात खत्म। इसका जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? Q = CV, यानी कि 15 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाई करके Q = CV, और इसका भी कितना आएगा? 15
माइक्रो कूलम, दिस इज द आंसर 30 15 15। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया, क्लियर है यहां तक? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है,